हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह चौहान, चौहान एकेडमी खंडवा से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम 11th बिजनेस स्टडी में जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में तीसरी यूनिट हल करने वाले हैं और इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उनको आज हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इसके पहले वाले जो दो वीडियो डाले थे उसमें हमने 11th बिजनेस स्टडी की जो क्वेश्चन बैंक जो आई एविमर्स पोर्टल के ऊपर डली हुई उसकी पहली जो यूनिट है उसके ऑब्जेक्टिव डाले थे। सेकंड वीडियो में सेकंड यूनिट का हमने किया था। आज हम थर्ड यूनिट देखेंगे और थर्ड यूनिट है हमारी निजी सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम। निजी मतलब प्राइवेट, सार्वजनिक मतलब पब्लिक और भूमंडलीय मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इस यूनिट में हमें देखने को मिलेंगे। आज हम उनको समझेंगे, जो कि ये तीनों जो वीडियोस यदि आप देखेंगे तो आपको अभी जो मंडे पेपर होने वाला है उसमें बहुत सारे मदद मिल सकती है। देखिए, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप में सही विकल्प करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ऐसी व्यावसायिक इकाइयां जो एक से अधिक देशों में अपना व्यवसाय संचालित करती है उन्हें क्या कहते हैं। तो एक से अधिक देश में जो कंपनी यदि व्यवसाय करती होगी तो उसको हम आज की स्थिति में हम मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। मल्टीनेशनल मतलब मल्टी मतलब एक से अधिक, नेशनल मतलब देशों में जो बिजनेस करती है ऐसी कंपनी, तो उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे। तो एकाकी व्यापार तो सोल ट्रेड होता है, एक ही व्यक्ति व्यापार करता है। साझेदारी में कम से कम दो, अधिक से अधिक 50 लोग। और सार्वजनिक उपक्रम और भूमंडलीय उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम मतलब जो सरकार के द्वारा ऐसे उपक्रम स्थापित किए जाते हैं, और भूमंडलीय, भूमंडलीय मतलब भू मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी के ऊपर कहीं पर भी ऐसा जो बिजनेस हो रहा तो हम उसको मल्टीनेशनल कंपनी को किस नाम से कहेंगे, उसको हम भूमंडलीय उपक्रम कहेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। दूसरा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यम होते हैं। वे उद्यम तीन प्रकार से होता है, एक तो प्राइवेट कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी होगी, या प्राइवेट और पब्लिक ये दोनों मिला करके व्यवसाय करेंगे, तो दूसरा होगा। तीसरा होगा ज्वाइंट सेक्टर या ज्वाइंट बिजनेस। तो निजी और सरकारी ये दोनों स्वामित्व वाले व्यवसाय जो होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, या ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या, कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा जिसमें निजी है, जो जिसमें उत्पादन के संसाधन निजी हाथों में है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सरकार के हाथों में है तो उसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिक्स यदि है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तीसरे क्वेश्चन के ऊपर हम चलेंगे, एक ऐसी कंपनी जिसकी चुकता पूंजी में सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक हो कहलाती है। वे एक सरकारी कंपनी उसे कहेंगे जिसके 51% जो शेयर है वो सरकार के हाथ में हो। तो यहाँ पर हम ऐसी कंपनी को क्या बोलेंगे, सरकारी कंपनी बोलेंगे, जिसमें सरकार का जो हिस्सा है वो कितना है, 51% है। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण कहाँ से किया जाता है, भाई बहुराष्ट्रीय, तो ऐसी कंपनी जिसका व्यवसाय एक से अधिक राष्ट्र में हो रहा हो। अब ऐसे एक से अधिक राष्ट्र में व्यवसाय होने पर उसका जो कंट्रोल है, उसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पर होगा, तो जिस देश में उस कंपनी का निर्माण हुआ है, जहां पर उसका मुख्यालय है वहीं से उसका नियंत्रण होता है, तो हम क्या बोलेंगे, मुख्यालय से, ठीक है। इसके बाद है पांचवा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वो व्यवसाय इकाइयां हैं जिन पर स्वामित्व होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कौन से है जिस पर किसका स्वामित्व होगा, तो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार का स्वामित्व होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सरकार का स्वामित्व, ठीक। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित निगम क्या कहलाते हैं। भाई संसद हमारे देश की जो सर्वोच्च संस्था है, जहां से कानून बनाए जाते हैं वो संसद है, और संसद से यदि किसी क्षेत्र विशेष के लिए या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी कंपनी की स्थापना की जाती है तो ऐसे जो निगम होते हैं वो उनको हम वैधानिक निगम कहते हैं। जैसे हमारे देश में भारतीय जीवन बीमा निगम है ना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो ऐसे कुछ निगम है जो सरकार के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किए जाते हैं, तो ऐसे उद्यमों को ऐसे उनको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित निगम क्या कहलाते हैं, उनको हम बोलते हैं वैधानिक निगम। क्या बोलते हैं उसको, हम वैधानिक निगम, जो कि कानून के द्वारा उनकी स्थापना होती है, संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा कानून पारित करके उनको बनाया जाता है।
भारतीय रेलवे डाक तार विभाग किस प्रकार के उपक्रम है? अब यहाँ पर भारतीय रेलवे एक डिपार्टमेंट है, डाक विभाग है ना, तो उनके नाम में छुपा हुआ है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, विभागीय उपक्रम, डिपार्टमेंटल उपक्रम कहलाते हैं। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों को पुनः सक्रिय करने के लिए अपनाई गई पद्धति को क्या बोलते हैं? भाई क्या है कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 को और 1951 में 1950 को हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ और 1951 से हमारे देश की जो सरकार थी उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का आर्थिक विकास करने के लिए योजनाएं बनाई, तो 1951 से लगा करके 1991 तक 40 सालों तक हमारे देश की जो सरकार है उसने सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करी और उनमें खूब पैसा लगाया, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उद्योग थे वो सब किसी ने भी रिटर्न पैसा सरकार को नहीं दिया और इसलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गर्त में चली गई, मतलब गड्ढे में चली गई। अब तो ऐसी सरकारी क्षेत्र जो कि बीमार हालत में मतलब वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे, सरकार को किसी प्रकार की कोई उससे फायदा नहीं है, तो ऐसी बीमार इकाइयों को सरकार पुनः यदि एक्टिव करने के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जाती है, तो MOFA MOU तो एक प्रकार का समझौता है ये MOU, तो MOU के माध्यम से ये सरकार के द्वारा उनसे समझौता किया जाता है कि भैया कुछ शर्तें रखी जाती है कि या तो आपको जीना है या फिर मर जाना है, मतलब या तो आप प्रॉफिट कमाओ या फिर हम आपको बंद कर देते हैं या किसी निजी प्राइवेट कंपनी को बेच देते हैं आपके संसाधन। तो ऐसे कुछ MOU साइन किए जाते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं और फिर उनको पुनः सक्रिय किया जाता है, तो ये वो कहलाता है। फिर आगे है सरकारी कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जिसके 51% से अधिक अंश किसके पास में है, सरकार के पास में हो। पीपीपी मॉडल क्या है, तो आज का जो समय है वो पीपीपी मॉडल का है, पीपीपी ट्रिपल पी, पहले पी से मतलब होता है पब्लिक, पब्लिक मींस सार्वजनिक, दूसरे पी से मतलब होता है प्राइवेट और तीसरे पी से होता है पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जब गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियां मिल करके कोई सा काम करने को तैयार होती है तो उसे हम बोलते हैं पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे अभी आज की स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश में जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है वो पीपीपी मोड पे चल रहा है, मतलब कि प्राइवेट कंपनी उसको संचालित कर रही है और अर्निंग जनता से हो रही है और सरकार को उसका हिसाब किताब दिया जाता है, तो ये पीपीपी मोड कहलाता है। फिर जैसे बहुत सारे जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो पीपीपी मॉडल पर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, तो ये सभी पीपीपी मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार निजी कंपनियों से, निजी प्रबंधकों से, निजी सेवादाताओं से हाथ मिला लेती है और उनसे वो सेवाएं लेती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, ठीक है। अब आगे हमें शिक्षा विभाग में भी देखने को मिल सकता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति यदि हम करेंगे तो सबसे पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र में जो संगठन होते हैं उनका स्वामित्व किसका होता है, सरकार का होता है, सार्वजनिक मतलब पब्लिक, तो उसका जो स्वामी तो सरकार के पास होगा। डाक एवं तार विभाग कौन से विभाग कहलाते हैं, तो डाक एवं तार विभाग विभागीय उपक्रम कहलाते हैं, डिपार्टमेंटल उपक्रम कहलाते हैं। संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित निगम को क्या बोलेंगे, वैधानिक निगम। संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा, मतलब संसद में एक विशेष अधिनियम बुलाया जाता है, सभा बुलाई जाती है और उसमें जो कानून पारित किए जाते हैं और जिससे एक कंपनी की स्थापना होती है तो कहलाता है वैधानिक निगम। वर्तमान में अस्पतालों व स्कूलों के विकास के लिए खालिस्तान मॉडल पर अधिक बल दिया जाता है, अभी मैंने बोला था पी पी और पी, इस मॉडल पर काम चल रहा है अस्पतालों और स्कूलों का, अस्पतालों में तो स्टार्ट हो गया, स्कूलों में भी सोचा जा रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया खालिस्तान क्षेत्र का उपक्रम है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सरकार का एक नवरत्न है, सरकार की 9 कंपनियां ऐसी हैं जो नवरत्न का दर्जा प्राप्त है, उनमें एक सेल भी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे सेल, और ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। कोका कोला पेप्सी ये खालिस्तान निगम है, तो ये तो कैसे हैं, ये प्राइवेट है, उनको क्या बोलेंगे, प्राइवेट है, निजी है, ये निजी है, प्राइवेट अंग्रेजी वर्ड हो गया और हिंदी वर्ड हो गया निजी। समझौता विवरणिका MOU अभी आया था, समझौता उसका हिंदी अर्थ है समझौता विवरणिका प्रणाली, समझौता विवरणिका
प्रणाली, ये एमओयू का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो समझौता से बोलेंगे मेमोरेंडम ऑफ, मतलब उनके बीच में कुछ शर्तें तय होती है सरकार और कंपनी के बीच में। तो समझौता विवरणिका प्रणाली के माध्यम से बीमार इकाइयों, बीमार इकाइयों, इकाइयों मतलब कंपनियों, बीमार इकाइयों में सुधार किया जा सकता है। एमओयू के माध्यम से बीमार इकाइयां मतलब सरकार की जो बीमार कंपनियां हैं उनमें सुधार किया जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, विनिवेश में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को खालिस्तान निजी क्षेत्र की इकाइयों एवं जनता को बेचा जाता है। तो विनिवेश में क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के संसाधनों को, संसाधनों को मतलब उसकी जो पूंजी है, उसकी जो भी संसाधन है, उनको निजी क्षेत्र की इकाइयों में और जनता में बेच दिया जाता है। जब सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं करती है, तो क्या होता है, विनिवेश शब्द का अर्थ मैं बताता हूं कि सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या किया जाता था, जो सरकारी कंपनी है, पहले सरकारी जो कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है उसमें निवेश किया जाता था, सरकार के द्वारा उसमें क्या किया जाता था, निवेश किया जाता था। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट किया जाता था, कि सरकार सरकारी कंपनी में पैसा लगाती थी, उसको हम बोलते थे निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना। भाई कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो सरकार की भी उम्मीद थी कि ये कंपनियां प्रॉफिट कमा के देगी। लेकिन ये सरकारी कंपनियां किस में चलने लगी, ये घाटे में चलने लगी और सरकार को कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला, तो सरकार की जो अर्थव्यवस्था थी डावाडोल हो गई। अब सरकार ने एक दूसरा रास्ता अपना लिया कि भाई जो बीमार हो गई है ये कंपनी, कैसी हो गई, ये बीमार हो गई, रेड हो गई, मतलब ये बीमार है। अब ऐसी कंडीशन में सरकार ने एक रास्ता निकाला विनिवेश का, विनिवेश, कौन सा रास्ता निकाला, विनिवेश। निवेश के पहले उन्होंने एक वि शब्द जोड़ दिया, मतलब सरकार ने निवेश करना बंद कर दिया, इन सरकारी कंपनियों में सरकार के द्वारा पैसा लगाना बंद कर दिया, और इनके जो संसाधन थे वो संसाधन सरकार के द्वारा क्या कर दिए गए, प्राइवेट कंपनियों को, निजी कंपनियों को बेच दिए गए। इनके जो संसाधन है वो संसाधनों को सरकार के द्वारा निजी क्षेत्रों के हाथों में बेच दिया गया। तो उससे क्या हुआ, निजी कंपनियां ने सरकार को, जो सरकार के द्वारा इनके जो कुछ संसाधन बेचे गए, तो सरकार को क्या हुई, इनकम हुई, निजी कंपनियों के माध्यम से क्या होने लगी, इनकम। तो एक तो सरकार का निवेश का पैसा भी बच गया और उल्टा उनको निजी कंपनियों से पैसा मिलने लग गया, तो डबल फायदा हो गया, एक तो आपका निवेश का पैसा भी बच रहा है और निजी कंपनी से आपको पैसा मिल रहा है, तो डबल गेम हो गया सरकार का। और इसे ही बोला जाता है विनिवेश, तो सरकार के द्वारा विनिवेश का रास्ता अपनाया गया। आगे बढ़ेंगे हम सही जोड़ी की तरफ। तो सही जोड़ी में सबसे पहले सही जोड़ी देखेंगे कोका कोला, परमाणु ऊर्जा परियोजना, बिरला सीमेंट, कोका कोल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे कोका कोला, तो कोका कोला कौन सी कंपनी है भैया, ये एक भूमंडलीय कंपनी है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी है कोका कोला, एक मल्टीनेशनल कंपनी। आप देखो क्रिकेट तो उसमें भी एड आता है, तो दुनिया में बिकता है कोका कोला, एक कोल्ड ड्रिंक्स है। फिर परमाणु ऊर्जा परियोजना, तो परमाणु ऊर्जा परियोजना ये क्या है, एक इसको हम बोल सकते हैं कि ये विभागीय संगठन है, कौन सा संगठन है, ये डिपार्टमेंटल संगठन है। फिर बिरला सीमेंट, कोल इंडिया लिमिटेड, तो बिरला सीमेंट जो है ये एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, बिरला सीमेंट एक प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी है, ये बिरला सीमेंट, इसका नाम सुना होगा। कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी हो गई, कोल इंडिया लिमिटेड क्या हो गई, एक सरकारी कंपनी हो गई। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम, फिर अगली सही जोड़ी हमारे पास बीच वाली आ रही है, उसमें देख रहा है एक से अधिक देशों में विस्तार, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भूमंडलीय उपक्रम, क्योंकि एक से अधिक देशों में जिसका विस्तार है। मंत्रालय के प्रति जवाबदेह कौन होता है, तो जो भी वैधानिक निगम है
इसको मंत्रालय को जवाब देना, सॉरी वैधानिक निगम नहीं, विभागीय उपक्रम, जैसे रेलवे है, डाक तार विभाग है, इनको सरकार को जवाब देना पड़ता है। संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक निगम होता है। संचालक मंडल का गठन सरकार के द्वारा किया जाता है, तो वो क्या हो गया, सरकारी कंपनी हो गई। और सार्वजनिक और निजी भागीदारी, इसको हम बोलते हैं पीपीपी मॉडल, इसको हम क्या बोलेंगे, पीपीपी मॉडल। तो बीच वाली सही जोड़ी सरल थी, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर पता चल जाएंगे। फिर लास्ट वाली सही जोड़ी पर आ जाएंगे, तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स मंत्रालय के प्रति जवाबदेह, अभी आया था मंत्रालय के प्रति जवाबदेह कौन होता है, तो विभागीय संगठन मंत्रालय के प्रति जवाब देने वाला होगा। फिर BHEL भेल, ये क्या है, भोपाल में स्थित है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एक सरकारी कंपनी है ये भेल, ठीक है। तो ये कौन सा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे, ये दिल्ली में बाहर बाहर रास्ता निकालने के लिए, पर्यावरण से बचने के लिए बनाया गया एक्सप्रेसवे है, और ये पीपीपी मॉडल पे बनाया गया है। कौन से मॉडल पे बनाया गया है, पीपीपी मॉडल पे बनाया गया है। तो हमारा ये भी हो गया, भेल भी हो गया, मंत्रालय के प्रति जवाबदारी भी हो गई। अब हिंदुस्तान मशीन टूल्स, तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हो गई, जो कि सरकार के द्वारा स्थापित है, 51% शेयर सरकार के पास है। और विप्रो, विप्रो एक कौन सी क्षेत्र की कंपनी हो गई, प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी हो गई विप्रो, है ना, विप्रो के शेयर आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आगे हम बढ़ेंगे सत्य सत्य की तरफ। तो सत्य सत्य में सबसे पहला दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, पहला दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में विभक्त है। सही है, भारत की जो अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में विभक्त है और दोनों मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र में जो संगठन होते हैं उन पर सरकार का स्वामित्व तो नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया भाई। सार्वजनिक क्षेत्र में जो संगठन होते हैं उन पर सरकार का स्वामित्व तो होता है, ये नहीं बोल रहे। भारतीय डाक विभाग वैधानिक निगम है, ये भी गलत है, क्योंकि भारतीय डाक विभाग कौन सा निगम है, भारतीय डाक विभाग एक विभागीय उपक्रम है ये। भूमंडलीय उपक्रमों को बहुराष्ट्रीय निगम भी कहा जाता है, बिल्कुल राइट है, भूमंडलीय उपक्रम मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। सरकारी कंपनी 51% चुकता पूंजी सरकार के पास होती है, एकदम राइट, सरकारी कंपनी में 51% होता है। सरकारी कंपनी का सरकार से पृथक कानूनी अस्तित्व होता है, नहीं, सरकारी कंपनी का सरकार से कोई पृथक कानूनी अस्तित्व नहीं होता। वैधानिक निगम ना तो अनुबंध कर सकते हैं और ना ही अपने नाम पर संपत्ति क्रय कर सकते हैं, तो ये गलत है, कर सकते हैं, उनको एक स्वामित्व मिला रहता, स्वायत्तता मिली रहती है। वैधानिक निगम के धन की व्यवस्था केंद्रीय बजट में की जाती है, शुरुआत में की जाती है, ठीक है, बाद में फिर उनको कुछ स्वतंत्रता दे दी जाती है। विभागीय उपक्रम की अर्जित आगम सीधे सरकारी खजाने में चली जाती है, एकदम राइट, विभाग जैसे रेलवे का है, डाक का है, ये पैसा सीधे गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। विभागीय संगठन में लचीलेपन की कमी होती है, बिल्कुल राइट है, आसानी से आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। वैधानिक निगम के कार्य परिचालन में उच्च स्तर का लचीलापन होता है, तो वैधानिक निगम के कार्य परिचालन में उच्च स्तर का लचीलापन होता है, ये गलत है, लचीलापन नहीं पाया जाता। सरकारी कंपनियों की स्थापना विशुद्ध रूप से व्यवसाय करने के लिए की जाती है, नहीं, ये लोक सेवा के लिए की जाती है। सरकारी कंपनियां क्यों स्थापित होती है, तो ये लोगों की सेवा करने के लिए, जन सेवा के लिए स्थापित की जाती है। और लास्ट है भूमंडलीय उपक्रम पूंजी एकत्रित करने के लिए सामान्य जनता को अंश और ऋण पत्र जारी नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, भूमंडलीय उपक्रम तो कर सकते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम, एक शब्द में उत्तर देखने जाएंगे, तो पहला है संयुक्त हिंदू परिवार किस क्षेत्र की व्यवसायिक इकाई है। संयुक्त हिंदू परिवार कौन से क्षेत्र की इकाई है, तो ये निजी क्षेत्र की इकाई हो गई, मतलब ये एक प्राइवेट क्षेत्र हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया। एक से अधिक देशों में अपना व्यवसाय करने वाली इकाइयों को क्या कहा जाता है, तो MNC मल्टीनेशनल कंपनी। सेल का पूरा नाम क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
इसका पूरा नाम है। भेल का पूरा नाम क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसको बोलता है, बोला जाता है भेल। विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्जित आय पर किसका अधिकार होता है? तो सरकार का होता है। विभागीय उपक्रम मतलब रेलवे की आय, रेलवे की इनकम, तो सरकार की इनकम होती है। संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित निगम को क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे वैधानिक निगम। क्या बोलेंगे उसको हम? वैधानिक निगम। डाक एवं तार विभाग किस प्रकार का संगठन है? विभागीय संगठन है। डाक विभाग, तार विभाग, किसी कंपनी के लिए सरकारी कंपनी होने के लिए सरकार का पूंजी में न्यूनतम कितना अंशदान होना चाहिए? तो 51% होना चाहिए। किसी भी कंपनी को सरकारी कंपनी होने के लिए 51% का अंशदान होना चाहिए। सरकारी कंपनी में संचालक मंडल का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो सरकारी कंपनी में संचालक मंडल का गठन सरकार के द्वारा होता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किस प्रकार का व्यावसायिक इकाई संगठन है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का है। कौन से क्षेत्र का है? ये सार्वजनिक क्षेत्र का व्यावसायिक संगठन है। कोका कोला, कोलगेट, पामोलिव किस प्रकार का व्यावसायिक संगठन है? तो ये निजी क्षेत्र का व्यावसायिक संगठन है। कौन से क्षेत्र का है? ये निजी क्षेत्र का व्यावसायिक संगठन है। भाई कोका कोला है, कोलगेट, पामोलिव है, ये निजी क्षेत्र के। जॉनसन एंड जॉनसन किस प्रकार का व्यावसायिक संगठन है? तो ये भी एक प्राइवेट सेक्टर का है, निजी क्षेत्र का है ये। जॉनसन एंड जॉनसन निजी क्षेत्र की कंपनी। न्यू टीसीएस ये भी निजी क्षेत्र की है, और या फिर हम इनको मल्टीनेशनल भी बोल सकते हैं। रिलायंस पेट्रोलियम ये भी व्यवसायिक, ये भी निजी क्षेत्र के हैं, ठीक है। ये सब रिलायंस पेट्रोलियम, न्यू टीसीएस, जॉनसन एंड जॉनसन, कोका कोला, कोलगेट, पामोलिव, ये सब एक प्राइवेट कंपनियां है और मल्टीनेशनल कंपनियां है ये, ठीक है। केवल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मानी जाती है या है, ठीक है। तो ये थे हमारे कौन से, हमने थर्ड यूनिट है ना, तीसरी यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमने देखे। अब अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, जिसमें हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है व्यावसायिक सेवाएं है ना, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। अभी जैसे आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर अभी मंडे होने वाला है, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। आप लोग ये तीन वीडियो देखिए, इसके बाद बहुत जल्दी कल ही मैं आपको दो वीडियो और दूंगा, जिसको देख करके आप बहुत कुछ अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।